हेलो एवरीवन, इसी तरह के इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एवरीवन, कैसे आप सब? मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास में। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर किन के लिए, पॉलिटिकल साइंस जिनके कॉलेज में सब्जेक्ट है उनके लिए, सिलेबस के ऊपर। अब देखिए, ये सिलेबस का थोड़ा अलग वीडियो होगा क्योंकि हम एक सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही यहाँ पे नहीं बताएंगे, हम तीनों सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पॉलिटिकल के सिलेबस को तुलनात्मक देखेंगे, ताकि आपको ये पता रहे, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको पता रहे कि फर्स्ट ईयर में मुझे क्या पढ़ना है और उसी से रिलेटेड सेकंड ईयर में क्या है और थर्ड ईयर में क्या है। क्योंकि आपको पता होगा एक सीरियल होती है, अगर आपने फर्स्ट ईयर को अच्छे से समझा है तो वो चीज़ सेकंड ईयर में इजी हो जाती है और थर्ड ईयर में और इजी हो जाती है। या फिर सेकंड ईयर वाले हैं तो उनको अभी क्या पढ़ना है और नेक्स्ट ईयर क्या आने वाला है, तो वो चीज़ें क्या कॉमन है वो भी ध्यान में आती है। तो कहने का मतलब कंपैरिजन होना जरूरी है। जैसे हम अगर मान लें कोई मोबाइल ही खरीद रहे हैं या कुछ नई चीज़ कोई ले रहे हैं, तो हम कोई कंपैरिजन करते हैं कि भाई फलानी चीज़ है वो वहाँ पे क्या भाव मिली, यहाँ पे क्या है। तो कंपैरिजन से क्या होता है, एक हम निष्कर्ष तौर पे एक सही चीज़ को लेने के लिए पहुँचते हैं। तो कंपैरिजन इसलिए हो रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट का, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको कौन सी सब्जेक्ट, मतलब कौन सा जो चैप्टर है वो अच्छे से करना है, जो सेकंड ईयर में भी काम आने वाला है या थर्ड ईयर में भी काम आने वाला है। तो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखते हैं क्या तुलनात्मक है इसमें, कॉमन चीज़ है तो देखिए। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाता है और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जो आपके लेवल से हैं और जिन्हें कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये तो मैं यहाँ पे तुलनात्मक बता रहा हूँ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए ऑफिशियली, जो JNVU के अकॉर्डिंग जो सिलेबस जारी किया गया है वो PDF चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको लिंक, अपना जो लिंक है डिस्क्रिप्शन उसके अंतर्गत आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, जहाँ से आपको तीनों कंटिन्यू और भी सिलेबस के हैं वो आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल देख लीजिए क्योंकि ज़रूरी है, फालतू वीडियो देखने से अच्छा है कि कुछ ये देखिए जो काम आने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम बात करें फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जैसे पहला पेपर है, आपको पता होगा पॉलिटिकल के दो पेपर होंगे, ये आपको सबको पता है। अब पॉलिटिकल का जो फर्स्ट पेपर है ना, उसमें हम देखेंगे फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर में राजनीतिक सिद्धांत, सिद्धांत आपको पता होगा, विचारधाराएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। अब कौन कौन सी विचारधारा यानी सिद्धांत हम राजनीतिक सिद्धांत के अंदर पढ़ेंगे पेपर फर्स्ट में, तो देखिए जो BA फर्स्ट ईयर का होता है ना, उसमें सेकंड पेपर तो इजी होता है लेकिन फर्स्ट पेपर थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि थ्योरी है ये, तो थ्योरी को समझना होगा। और इसके लिए काफ़ी वीडियो बने हुए हैं, आप देख लीजिए, और अदरवाइज वीडियो और भी आते रहेंगे तो जुड़ते रहिए। जैसे हम सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर सिद्धांत की बात आती है व्यवहारवाद, क्या है व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, और राज्य से संबंधित सिद्धांत भी आएंगे, जैसे राज्य के आंगिक सिद्धांत, अरस्तु के अकॉर्डिंग राज्य की प्रकृति विशेषताएं, ठीक है ना, ये आप समझ रहे हैं, जैसे देवीय सिद्धांत, शाश्वतता का सिद्धांत। तो ये काफ़ी है, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे समझा है कि हम राज्य से संबंधित सिद्धांत पढ़ेंगे और राज्य की, इसके अलावा व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जानेंगे, फिर कुछ अवधारणाएँ भी समझेंगे जो सिद्धांत के रूप में आती है, शक्ति, सत्ता और वीरता, शक्ति, सत्ता और वीरता। हाँ बिल्कुल, आपने अगर 12th में पढ़ा होगा, ठीक है ना कहीं ये टॉपिक आए होंगे तो वापस आ रहे हैं, तो ध्यान रखना है। फिर लोकतंत्रीय अवधारणा पढ़ेंगे, जैसे मॉन्टेस्क्यू के अनुसार शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बहुत ज़रूरी है, जो एग्जाम में हर बार आता है। इसके अलावा द्विसदनीय विधानमंडल, किन किन क्षेत्रों में द्विसदनीय विधानमंडल है और क्या विशेषता होती है इसकी, ये तो है आपका फर्स्ट पेपर। सेकेंड पेपर में क्या होगा, भारतीय शासन एवं राजनीति, बहुत ही ईजी है ये, आप इससे पढ़े हुए या इसमें टच में भी कह सकते हैं, पेपर आपका टच वाला है, ईजी वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें संविधान का ओवरऑल देखेंगे, संविधान क्या है, संविधान कैसे बना, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार, नीति तत्व और भी जो इम्पोर्टेंट संविधान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इसमें आएगी, ठीक है। इसके अलावा संघीय कार्यपालिका को समझेंगे, यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत जो कार्यपालिका है उसको हम जानेंगे, कैसे बनती है, क्या चुनाव किस तरह से होता है, कौन इसका प्रधान होता है, कैसे ये काम करती है, वो चीज़ें यहाँ पर पढ़ी जाती हैं। फिर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, संघीय स्तर के ही व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसके बाद हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि केंद्र राज्य के मध्य क्या संबंध है, वित्तीय संबंध, विधायी संबंध या न्यायिक संबंध, किस तरह से ये राज्य आपस में समझौता बनाते हैं, किस तरह से इनके करों का हस्तांतरण होता है, तो यहाँ पे केंद्र राज्यों के मध्य संबंध है वो कहलाता है संघीय व्यवस्था। और संसदीय व्यवस्था यानी संसद, किस तरह से संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, केंद्र में किस तरह से है और राज्य में किस तरह से है, तो
जो फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो फर्स्ट पेपर है वो थोड़ा टफ है, लेकिन सेकंड पेपर इजी है। अब ये कितना इम्पोर्टेंट है सेकंड ईयर में वो जानिए, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट जरूरी है। तो पहली चीज़ तो जान लीजिए, अगर आप राजनीतिक सिद्धांत जानेंगे, राजनीतिक सिद्धांत जानेंगे तो उसका कंपेरिजन कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कंपेरिजन, ठीक है। तो यही यहाँ पे आता है, अपना जो बीए सेकंड ईयर का जो पेपर है उसमें हम क्या करते हैं, तुलनात्मक राजनीति को देखते हैं, विभिन्न देशों की तुलनात्मक राजनीति और उनका विकास जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ पे देखिए प्रमुख देशों के संविधान की विशेषताएं, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, स्विस, फ्रांस। अब मैंने आपको कहा था अगर आपने भारत के संविधान को समझ लिया है, अच्छे से समझ लिया है कि संविधान क्या है, किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है, क्या काम करता है, क्या भूमिका होती है, तो इसके बाद हम सेकंड ईयर में क्या करते हैं, बाकी जो प्रमुख देश हैं उनके संविधानों की विशेषता देखते हैं कि उनकी क्या विशेषता है, किस तरह बना है और इनका इनकी देश में क्या भूमिका है। तो ये तभी समझ पाएंगे बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, जब अपने देश के संविधान को जान लिया हो। तो ये ज़रूरी है कंपैरिजन, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्यों कंपैरिजन मैं करवा रहा हूँ। एक ही क्लास के अंदर तीनों, अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के तीनों के मैं यहाँ पर कंपैरिजन बता रहा हूँ, ठीक है। फिर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, यानी जैसे ये मैंने देश बताया ना, फ्रांस, स्विस, स्विट्जरलैंड, चीन और अमेरिका, ब्रिटेन, इन्हीं देशों की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। जैसे अपने यहाँ पे देखा था ना, जैसे अभी बताया केंद्र सरकार में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका भारत की कैसी है, तो कहीं ना कहीं मैं अगर आपसे बताऊँ, जो फर्स्ट पेपर, जो बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है ना, अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया है तो इसी का प्लस पॉइंट ये है कि आप बीए सेकंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है ना वो तुलनात्मक रूप में पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये मैंने पहले ही कहा है कि इसमें तुलना होगी भारत की दूसरे देशों के साथ किस तरह से शासन होता है, या फिर भारत का अन्य देशों के साथ, या फिर अमेरिका का ब्रिटेन के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, कंपेरेटिव अध्ययन किया जाएगा। और ये ध्यान रखना है कंपेरेटिव अध्ययन करके हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ पे जानी जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये इससे इफेक्ट पड़ता है। राजनीतिक दल, फिर राजनीतिक दल विभिन्न देशों की, कहीं पर एक दलीय व्यवस्था है, कहीं पर द्विदलीय व्यवस्था है, कहीं बहुदलीय व्यवस्था है, तो क्या कौन से दल हैं और क्या भूमिका है या उसके अंदर क्या हित समूह है वो जानना है, तो काफ़ी अच्छा ये है जो पेपर आप समझ गए हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दोनों पेपर बराबर है ना, तो ये कोई हार्ड है ना, ये पेपर हार्ड है, इसमें दोनों पेपर बराबर, लेकिन फिर दूसरों का नज़रिया होता है कि कैसा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जो सेकंड पेपर है ना, उसमें क्या है कि कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतक हैं, विचारक हैं, उनके जो विचार जो प्रसिद्ध हुए हैं, जिनको हम राजनीति में आज पढ़ते हैं, उन्हीं विचारों को यहाँ पे शामिल किया गया है। जैसे हम बात करें प्लेटो, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का राज्य संबंधी सिद्धांत, तो ये प्लेटो के जो अच्छे विचार हैं या प्लेटो के द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख जो राजनीतिक सिद्धांत विचार हैं वो इसमें अपना सेकंड पेपर में पढ़ना है। अरस्तु, थॉमस एक्विनास, ये इनके राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके अलावा हॉब्स, लॉक और रूसो, ये सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं, तो इनके सामाजिक समझौते के ऊपर दिया गया है जो टॉपिक, जो सिद्धांत है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है, ये ध्यान रखिए। और ये वाला जो पेपर है ना, ये इस चैनल की आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है बेंथम और कार्ल मार्क्स, बेंथम उपयोगितावाद, कार्ल मार्क्स वर्गतंत्र का जो वाद है, यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख विचार है। फिर अपने भारत के जो प्रमुख राजनीतिक चिंतक हैं उनके विचार पढ़ेंगे, जैसे गांधी जी, नेहरू जी और अंबेडकर जी के राजनीतिक सिद्धांत या उनके जो विचार, जो राजनीति जो हैं प्रभावित, वो हम जानने वाले हैं। तो ये है अपना सेकेंड ईयर का पेपर, ठीक है ना। और क्या पढ़ना है आपको समझ में आ गया होगा, ये आप स्पेशली पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा लास्ट में जो जरूरी है, ठीक है ना। ये तुलनात्मक अध्ययन हम यहाँ पे देखने के बाद आते हैं थर्ड ईयर है। अब थर्ड ईयर का सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर से क्या कंपेरिजन होगा वो देखना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखेंगे। तो ये कब देखें, जब हमें अपने देश की व्यवस्था को पता है और विभिन्न देशों के तुलनात्मक संबंधों को हमने जाना है, तो विभिन्न देशों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद फिर ही तो हम इनके देशों के बारे में जान सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जानेंगे। तो संबंध जानने के दो दृष्टिकोण, दो नज़रिए हैं, पहला है यथार्थवादी नज़रिया, दूसरा है आदर्शवादी नज़रिया। तो ये तभी जानेंगे जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से रूबरू हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अपना जो फर्स्ट पेपर है ना बीए थर्ड ईयर का, उस फर्स्ट पेपर में हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में जानेंगे, वो भी अलग अलग तरीके से जानेंगे। तो पहले तो इनके दृष्टिकोण जानेंगे, दूसरा क्या करेंगे कि इनके जो अंतर संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो कर्ता कौन है, प्रकार और तत्व, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह से बनता है,
और किन वजह से बनता है, कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाता है और उसके प्रकार क्या है। ये अभी पेपर शुरू हुआ है, आप इस वीडियो पे अपने चैनल पे देख सकते हैं, अभी शुरू हुआ है और ये दो लेसन हो गए, लगभग दो इकाई हो गई है। फिर हम राष्ट्रीय शक्ति को जानेंगे, क्या जानेंगे, राष्ट्रीय शक्ति। बिल्कुल आप ध्यान रखिए, क्योंकि विभिन्न देशों की शक्ति व्यवस्था इंपॉर्टेंट होती है। हर जो देश है वो शक्ति व्यवस्था को चाहता है, हर देश चाहता है कि अपनी शक्ति में उन्नति हो, बढ़ोतरी हो, ठीक है ना। तो हर राष्ट्र एक राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहता है, तो इसलिए उसके तत्वों और प्रकारों के बारे में हमने जानने वाले। फिर ये हर बार इससे संबंधित तो हर बार प्रश्न आता है, शीत युद्ध। ध्यान रखिए अपने थर्ड ईयर में शीत युद्ध को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शीत युद्ध, इसमें जैसे गुट निरपेक्षता हुआ, या शीत युद्ध से संबंधित जितने भी व्यवस्थाएं या जितने भी नए नए गुट बने और शीत युद्ध की क्या कार्य प्रणाली रही थी, वो पूरा जो घटनाक्रम है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर प्रमुख देशों की विदेश नीति, क्योंकि अपना पेपर ही क्या है, अपना पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो प्रमुख जो देश हैं उन देशों की विदेश नीति जानेंगे कि भाई फलाना अमेरिका की विदेश नीति क्या है, रूस की क्या है, चीन की क्या है, ब्रिटेन की विदेश नीति क्या है। तो क्या विशेषता है कि अच्छे देशों अच्छी तरह से अपने विदेश नीति को चला पा रहे हैं, तो हम ये तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे किनका, इनकी विदेश नीति की अच्छी विशेषताओं का, ठीक है। फिर कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विचारधाराओं को हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ उपजी हुई विचारधारा, जैसे हम बात करें भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन हो गया, निशस्त्रीयकरण, ठीक है ना, पर्यावरणीय, और कुछ प्रमुख ग्रुप जैसे सार्क और आसियान, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे तत्व हैं जो संबंधों को बढ़ाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निभाने में इनका काफ़ी योगदान है। तो फर्स्ट पेपर है वह कहीं ना कहीं थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन अगर आप मेरे द्वारा दिए गए वीडियो कंटिन्यू देखते तो आपको बेसिकली बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर आता है अपना सेकंड पेपर, और ये जो सेकंड पेपर है ना, ये पूरी तरह से अपने भारत के ऊपर डिपेंड है। इसमें हम देखेंगे कि लोक प्रशासन कैसे चलाया जाता है, एक सरकार के द्वारा, राज्य व्यवस्था के द्वारा लोक प्रशासन, यानी लोगों के लिए प्रशासन कैसे चलाया जा रहा है, कैसे ये सरकारी प्रशासन चला रही है, वो जानने वाले। ये तो पेपर ये काफ़ी अच्छा है, ये हमारे लिए वर्तमान दौर में काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। तो इसके अंदर पहले तो हम समझने वाले हैं लोक प्रशासन का मतलब क्या है, कहाँ तक इसका क्षेत्र है, और स्वरूप क्या है इसका, नेचर क्या है इसका लोक प्रशासन का, वो जानेंगे। फिर सेकंड पेपर में हम जानेंगे प्रशासनिक व्यवहार, ये प्रशासनिक स्तर पर यानी सरकार के विभिन्न जो प्रशासनिक लेवल है उनके मध्य आपस में क्या संबंध है, जैसे दो कार्यालय हुए, दो विभाग हुए, उनके मध्य क्या संबंध है, किस तरह से ये निर्णय लेते हैं, इनका नेतृत्व तो किसके द्वारा किया जाता है, और जो ये काम कर रही है तो ये किसके प्रति जवाबदेही है, ये सरकार के जो प्रशासन है ये प्रशासनिक है जो किसके प्रति जवाबदेही है, जैसे सरकार के जो कर्मचारी है या प्रशासन जो काम कर रहे हैं पूरी तरह सरकार के जो नौकर सा काम कर रहे हैं, ये इनकी जवाबदेही क्या है वो जानना है। फिर नौकरशाही यानी ये जो गवर्नमेंट जो अफसर कर्मचारी होते हैं वो जो नौकरशाही हैं, ये लोक सेवा, इनकी अवधारणा को समझेंगे कि इनका क्या उद्देश्य है, क्या मकसद होता है और क्या विचारधारा लेकर ये चलते हैं। और लास्ट जो अपना है सेकंड पेपर में वो है बजट, बजट और बजट के ऊपर वास्तविक और विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की और राजनीतिक स्तर की, ठीक है ना। फिर प्रशासन पर यानी प्रशासन जो सरकार है, ठीक है ना, इस पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण कैसा है, किस तरह से इस पर नियंत्रण रखा जाता है, और फिर हम जानेंगे लास्ट में भूमंडलीकरण और उदारीकरण। तो हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, जैसे मैंने कहा था कि लास्ट में कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूं, तो जब हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, जो ये जो राजनीतिक विज्ञान के तीनों पेपर यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, हर एक के दो दो पेपर होंगे, तो ये तुलनात्मक अध्ययन में इसलिए किया कि आपको अब ध्यान रहे, आपको पहले ही दृष्टिकोण मिल जाए कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पेपर यहाँ पर सपोर्ट करता है, ये पेपर यहाँ पे सपोर्ट करता है। और जब ये हम पढ़ते हैं तो इनसे संबंधित कुछ विचारक पहले इसमें आते हैं, वो विचारकों को हम यहाँ पे पूरे विस्तार से समझने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जब हम जानते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो पेपर है वो काम आता है। इस पेपर का तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ हमारा थर्ड ईयर में काम आता है तुलनात्मक रूप में, इसलिए मैं आपको समझाया। फिर लोक प्रशासन,
तो ये इससे संबंधित है। जैसे हमारा जो भारतीय शासन बना उसकी जो राजनीति है वो किस तरह चलती है, तो ये जो पेपर है ना इस पेपर से रिलेटेड ये हैं। कौन सा भी थर्ड ईयर का है, ये थोड़ा डीप लेवल का है, इसकी जो हम कहें लोक प्रशासन की गहराइयों को हम समझने वाले हैं। तो इस तरह से आप राजनीति विज्ञान के बीए के तीनों सेम अपने जो लेवल हैं जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का तुलनात्मक दृष्टिकोण समझ चुके होंगे। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज जैसे कि मैंने आपको कहा है कि इनका जो सिलेबस है ऑफिशियली वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिए, और उससे भी ज़रूरी आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को, ताकि पता रहे कि उनके लिए क्या सिलेबस है, क्या तैयारी करनी है। वरना एग्ज़ाम आते फिर वन वीक सीरीज ढूंढते हो, और अब की बार ध्यान रखना पहले की तरह इजी पेपर नहीं होगा, थ्योरेटिकल पेपर और बड़ा पेपर होगा। तो तैयारी अभी से करिए और जुड़ जाइए मेरे साथ अच्छी तैयारी के लिए, और मेरे साथ इस चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपकी तैयारी को बेहतर बना सको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।